पहले जय श्री श्याम। अभी मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। अंगूर खा रख। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ के मार्केट श्योपुर के। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कौन कौन सी किसी शॉप पे जा रही हूँ, कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। तो बस आज का वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारे यहाँ की खुलकुल वाली माता जी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मैं इनके यहाँ पर दर्शन करने आऊँगी तो आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी यहाँ के। और हमारे श्योपुर में बस ऑटो में बैठी है, मार्केट में पहुँच जाते हैं। तो मतलब वो सिंपल है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है जयपुर जैसी कि भैया आपको इतना दूर दूर जाना पड़े। तो छोटी सिटी है, इसका यही फ़ायदा होता है कि भैया आप ईज़िली कहीं पर भी जाते हैं तो आसानी से चले जाते हैं, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ की और ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ पर क्या है ना, गर्मियों के टाइम में लग जाता है मेला हजारेश्वर का, तो बस वही भरने वाला है अभी थोड़े टाइम बाद ही। तो अगर मैं जयपुर नहीं गई उससे पहले अगर भर गया मेला तो मैं आपको ज़रूर यहाँ के मेला भी घुमाऊँगी। हजारेश्वर का मेला इसको बोलते हैं। और ये आ गया है गुलंबर, आने ही वाला है अभी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ श्योपुर, जो जो लोग भी श्योपुर नहीं आए हैं तो वो मेरे ब्लॉग के द्वारा श्योपुर को देख सकते हैं कि भाई हमारा श्योपुर कैसा लगता है। तो हम लोग यहीं पर ही उतर गए थे, ऑटो वाले भैया ने हमको यहीं पर उतार दिया था क्योंकि कि आगे जाना ऑटो मना था। और वैसे बहुत से जा भी रहे थे पर हमको तो यहीं पर उतार दिया था ऑटो वाले भैया ने। और जैसे कि अपन वीडियो वगैरह लेते हैं तो लोग बाग देखने लग जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं, बहुत समझते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि भाई ब्लॉग वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है। और बहुत से लोग तो सब्सक्राइब करना भी पता नहीं होता है बहुत से लोगों को तो फ़ोन में कि भाई सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये अपन फ़ोन लेते हैं ना जब भी सब्सक्राइब बताते हैं अपन के भाई ऐसे बटन पे क्लिक करते हैं जब जाके सब्सक्राइब हो जाता है चैनल। तो ये है गुलंबर और यहाँ पर ही ऑटो वाले भैया उतार देते हैं। बहुत से ऑटो अंदर जा रहे थे, बहुत से बाहर ही उतार रहे थे, बस वो सिस्टम अलग अलग हो जाता है। काफ़ी टाइम बाद आते हैं अपन, जैसे कि मैं पूरा एक साल में आई हूँ अभी श्योपुर, पूरा एक साल हो गया है मुझे आए। तो पहले तो मैं क्या है छः महीने में आ जाया करती थी शुरू में, तो अब तो ये मान लीजिए कि आना होता ही नहीं है मतलब बिल्कुल भी, और बड़ा टाइम निकाल करके आ पाते हैं भाई बड़ी मुश्किल से। और ये यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं खाने पीने की, एक जैसे होती है ना भाई चौपाटी टाइप मान लीजिए, हम यहाँ गुलंबर पे ही है, खाने पीने के स्टॉल्स अच्छे लगे हुए हैं। और ये हमारा मार्केट स्टार्ट हो गया है, ये पीछे वाली गली है, मैंने जो मेन मार्केट आपको नहीं दिखाया है, मेन मार्केट मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो ये पीछे वाला पूरा मार्केट है, यहाँ पर ही सारी चीज़ें जो है ना पूरी शॉपिंग की सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी इस वाले मार्केट में ही। हम आ गए हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। मैं भृगु के लिए सबसे पहले ड्रेस देखूंगी। तो ये हमारे श्योपुर की सबसे अच्छी दुकान है बच्चों के लिए के हिसाब से, मतलब छोटे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और ये भैया मुझे जानते हैं अच्छे से, तो बोल ही रहे थे भैया आप क्या बना रहे हो ये। तो मैं उनको बता रही थी कि भैया आजकल मैं ब्लॉग वगैरह बनाने लग गई हूँ, आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस मैं इस शॉप पर आ गई हूँ, इसको परिधान शॉप करके बुलाते हैं, अच्छी शॉप है काफ़ी, लड़कियों की लिए लड़कों के लिए सबके लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर। तो दीदी और मैं बस भृगु के लिए सबसे पहले ड्रेस देख लेंगे अच्छी सी जो मिल जाए अच्छी सी इस दुकान पर। और मैंने मिष्टी के कपड़े अभी नहीं लिए थे क्योंकि मिष्टी के नाप की ड्रेस लेनी थी मुझे अभी, क्योंकि शादी आ रही है हमारे यहाँ पर, मेरे ननद की शादी है तो उनके शादी में पहनने के हिसाब से मैं उसके लिए बाद में ही ड्रेस ले लूँगी, उसको लेके आ जाऊँगी। क्योंकि उसको मेरे को चप्पल वगैरह भी दिलवानी है उसके लिए, सैंडल वगैरह कुछ, या उसको ड्रेस भी दिलवानी है। तो मैं जब उसको लेके आऊँगी ना तभी उसकी शॉपिंग करेंगे हम, उसको लेके आएँगे जब भी। और हम लोग आ गए थे यहाँ पर
चप्पलों वाली शॉप पर। और जब भी हम आते हैं शोपुर तो इन्हीं की दुकान पे आते हैं। इनको हम मामा जी भी बुला लेते हैं क्योंकि ये मेरी जो दीदी है उनके फ्रेंड के मामा है, तो हम यहीं पर आते हैं शुरू से। जब भी चप्पलें वगैरह हमको लेनी होती हैं तो यहाँ पर हम चप्पलें देख रहे थे, पर हमको चप्पलें बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि यहाँ पर सही साइज की चप्पलें अभी मिली नहीं थी हमको। तो इन्होंने बोला कि भाई मंडे को नया माल आएगा तभी आप देखना, तो भाई हम मंडे को वापस आएंगे देखने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा फेमस जो दुकान है वो है हमारे शोपुर की, ये है श्रृंगार सरोवर की शॉप। और मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ये ज्वेलरी जो नेकलेस वगैरह होते हैं ना गले में पहनने के लिए कुछ देख रही थी क्योंकि शादी आ रही है, तो भाई लगता है कि भाई गले में पहनने के लिए कुछ ले लेते हैं, तो मैं वही सब देख रही थी। और ये काफ़ी पुरानी और फेमस शॉप है हमारे शोपुर की, कॉस्मेटिक की, शादी में पहनने के आइटम वगैरह सब यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं और बहुत अच्छे भी मिलते हैं। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब इन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ पर अभी तो यही अवेलेबल हैं, आपको पसंद नहीं आ रहे तो हम बाद में मंगा देंगे, तो वो हम बाद में ले लेंगे कभी, अब अच्छे मिलेंगे जब भी। और फिर आ गए थे हम सब्जी मंडी, तो दीदी यहाँ पर सब्जी वगैरह ले रही थी और मैं अपने आप को कैमरे में शूट ज़्यादा कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे पास सामान भी था और थोड़ी जल्दी भी थी। और सब्जी मंडी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है तो लगता है कि लोग जल्दी जल्दी से सामान खरीद लें, तो हमको यहाँ पर दो छोटी छोटी बाल्टी चाहिए थी क्योंकि मम्मी ने मंगाई थी, तो बस वही लेने में लग रहे थे दीदी। तो कैमरा मैंने ही पकड़ रखा था तो इसलिए मैं खुद से खुद को शूट नहीं कर पा रही थी, बस वो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और हम आ गए थे यहाँ पर साड़ी की शॉप पर, यही करौली वालों की शॉप है। करौली जाती हूँ जब तो मैं साड़ियाँ ले नहीं पाती हूँ करौली से, तो पर यहाँ पे आके शोपुर में आके हम करौली वाले जो दुकान है यहाँ शोपुर में वहाँ से हम ज़रूर साड़ियों की शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दीदी को लेनी थी साड़ी, मेरे को अगर पसंद आएगी तो मैं भी ले लूँगी, पर ख़ास तौर से हम दीदी के लिए आए थे कि भाई दीदी को साड़ी लेनी थी तो हम यहाँ पर देख लेंगे साड़ी। तो ये बहुत अच्छी और काफ़ी अच्छी शॉप है यहाँ करौली वालों की। और ये है हमारे शोपुर का मेन मार्केट, मैंने जो आपको पहले दिखाया था वो गली वाला मार्केट था, ये है मेन मार्केट। पर जो आगे जो शॉप बनी हुई है वहाँ से हम कभी भी शॉपिंग नहीं करते हैं ज़्यादातर जो गली वाले मार्केट है। और जो आगे की तरफ दुकानें बनी हुई हैं ना, चूड़ी गली वगैरह भी हैं, तो वो मैंने अभी दिखाई नहीं थी क्योंकि चूड़ी वगैरह भी हमको मिली नहीं। यहाँ पे लाख के चूड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं शोपुर में, और ज्वेलरी की शॉप भी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब यहाँ पर सुनारों की दुकान काफ़ी अच्छी है शोपुर में, सोना चांदी की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर मैं गई दुकानों पर तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और हम आ गए थे मेडिकल की शॉप पर क्योंकि हमको सर्दी जुकाम की दवाई लेनी थी। और ये जो अंकल है हमको बचपन से ही जानते हैं, ये मान लीजिए काफ़ी छोटी थी मैं जब से यहाँ यहाँ से हम दवाइयाँ लेकर के जाते हैं, तो अभी सर्दी जुकाम रघु को हो रहा है, ज़्यादातर सभी को हमारे घर में सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए हमने दवाई ले ली है यहाँ से। और हम यहाँ से खा लेंगे चाट, इन अंकल की चाट भी बड़ी फेमस है यहाँ, सबसे अच्छी चाट जो मिलती है ना वो इन्हीं अंकल की मिलती है। पर इन्होंने क्या कर दिया ना, दिन पे दिन ये अपनी रेट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले मैं जब आई थी जब तो 20 रुपीज़ की थी, अब इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए हैं, 25 रुपीज़ की अभी ये चाट हमको मिली है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर एक ही प्लेट बनवाई थी, दीदी को खाना नहीं था क्योंकि दीदी का थोड़ा पेट ख़राब हो रहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, तो बस मैंने ही खा ली थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो फेमस है हमारा शरबत, यहाँ पर शरबत वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है इन भैया पे, जिस भैया पे हम पीते हैं ना हर बार, वो भैया तो दिखे ही नहीं थे इस बार, पर ये जो दूसरे भैया हैं इनसे फिर हमने सोडा पिया था, शरबत अभी अवॉइड कर दिया, शरबत नहीं पिया है, नेक्स्ट टाइम शरबत भी पियेंगे। तो बस वापस चले जाएंगे हम घर पर ऑटो में बैठकर। और यहाँ पर है किराने की शॉप, ऑटो से उतरते ही थोड़ी दूरी पर ही ये किराने की शॉप है, यहाँ से ही पापा पूरा राशन का सामान इन्हीं के यहाँ से लेते हैं, इनके जो पापा हैं इनके पापा के फ्रेंड है, तो यहाँ से ही हम पूरे राशन का सामान ले लेते हैं। तो बड़े अच्छा नेचर है इनका, भैया अच्छे हैं काफ़ी। हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके और हमने ले ली है रघु के लिए ड्रेस, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसी ड्रेस ली है। ये हमारे रघु की ड्रेस,
बाबू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, पहनाएंगे ये ड्रेस भाई एक और ये तो। अरे हाँ जीजी को देंगे तो भाई, मम्मी के आए हैं तो ड्रेस तो लेनी बनती है बच्चों के लिए, तो मिष्टी के लिए तो ड्रेस मिली नहीं अच्छी, हम रघु के लिए लिया है। और ज़्यादा कुछ शॉपिंग एक्चुअली हमने करी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि अपन जाते हैं शॉप पे और पसंद की चीज़ें मिलती नहीं, जैसे हम चप्पल की शॉप पे गए, चप्पलें हमको अच्छी नहीं मिली, तो हमने अभी से बोला कि बाद में आएगा माल तो फिर बाद में देख लेंगे। और दीदी एक साड़ी लेके आए साड़ी की शॉप पे, ये साड़ी पास से दिखा दीजिए मेरी साड़ी को, ये साड़ी है पिंक कलर में, अच्छी साड़ी है और इसका इस कलर का ही ब्लाउज है। और मैं लेके आई हूँ मेरे लिए इयररिंग्स, ये वाले इयररिंग मुझे अच्छे लगे, ये लेके आई हूँ मेरे लिए बस। और एक आई लाइनर लाई थी मैं, एक आई लाइनर है ना प्रभु, ये आई लाइनर कैसे लगाते हैं इसको, क्या लगाते हैं आपको तो बस मैंने यही शॉपिंग करी है आज, और आज का ब्लॉग कर दूंगी मैं यहीं पर एंड। आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।